दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस सेक्शन। दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में, वीडियो तो नहीं कहेंगे, क्लास है हमारी, इस क्लास में हम बात करेंगे पावर पिवट के बारे में। तो जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, और क्लिप प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हो सकता है बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो, क्योंकि हमारी लाइव क्लास की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि रात के अभी 9 बजे हैं। और कुंदन जी, प्रसून जी दो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जूम ऐप के माध्यम से उन्होंने ज्वाइन किया है और मेरे साथ तो क्लासेस को लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप भी डेमो क्लास का फॉर्म भर के हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रसून जी, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पिवट। तो पावर पिवट से पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, कि एक्सेल में रिलेशनशिप का क्या यूज होता है। हालांकि इसके लिए डेटा अलग होता है, लेकिन क्या है कि इसे हम छोटे डेटा को आपको बताते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है समझे सर? समझे। हेलो, कुछ बोल रहे थे? सर रिकॉर्डिंग परमिशन। हाँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन मैंने दे दिया और मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आज हम पावर पिवट के बारे में जान रहे हैं, पढ़ने जाएंगे, और हम पावर पिवट में हम एक छोटा सा डेटा बना रहे हैं। यहाँ देखिए, सेल्स का डेटा है, प्रोडक्ट PID, यहाँ पे CID एंड क्वांटिटी PTY। मतलब कि एक सेल्स है, उसमें हमने यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिया है, और हमने यहाँ पे डेट्स भी डाल दिया है कुछ। और हम जो है 5 प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे कोड डाला हुआ है, प्रोडक्ट का सिर्फ कोड डाल दिया, और कस्टमर का भी हम कुछ सिर्फ कोड डाल देते हैं। ठीक है, कस्टमर भी हमें 5 ही है, हो सकता है ज्यादा हो, बट यहाँ पे मैं 5 ही रख रहा हूँ। ये रहा हमारा, ओके। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो प्रोडक्ट, मान लो कस्टमर प्रोडक्ट का, कस्टमर का डिटेल्स है वो सीट में नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट के लिए हमने PR का यहाँ बनाया हुआ है, और ये हमारा PID हो गया, यहाँ हमारा नेम हो गया, और यहाँ हमारा MRP हो गया। तो ये दिक्कत हो गई हमारी, समझ गए? तो अब मैं अगर चाहूं कि मुझे मेरे पीवर्ड में प्रोडक्ट का नेम आए, तो प्रोडक्ट के नेम के लिए मुझे वी लुकअप लगाना पड़ेगा कॉलम इंसर्ट करके, क्या सर? अगर जैसे कस्टमर का नेम मैं यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ। अब मुझे मान लीजिए कस्टमर की सिटी वाली रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कस्टमर का वीलुकअप लगाना पड़ेगा। तो मैं अपने सेल्स डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सेल्स डेटा जो है वो कहीं से उठ के आता है और कॉपी होता है। तो अगर अभी मैंने वीलुकअप लगाया तो हर बार कॉपी करते समय मेरा एक काम रह जाएगा। अब मुझे यहाँ पे समरी चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे कि पिवट टेबल जब लगाएंगे, तो पिवट टेबल लगाते समय हम जो पिवट टेबल पे जाते हैं, हम ऐड डेटा टेबल दैट दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी रिलेशनशिप की। प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। और यहां से हमने इसको ओके किया, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फ्रेंड्स
फिर उसके बाद हमने जो हमारा जो प्रोडक्ट है इसको भी सिलेक्ट किया, और इसको भी हम यहाँ पे प्योर, और इसमें हम करेंगे एड डेटा टू डेटा मॉडल, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मतलब कि अब यहाँ जो सेल्स वाली जो है वो किस कैसे उठाएगा, इनके बीच में क्या लिंकिंग है जो उठाएगा, तो मुझे इसकी लिंकिंग क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ किसी भी पिवट पे, एक पिवट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ डिजाइन पे जाएंगे, रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे दो डेटा को डेटा मॉडल में ऐड करेंगे आपका रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट कर देते हैं न्यू, और यहाँ पे हम जो है रेंज, यहाँ पे हमारा रेंज में हमने बोल दिया पीआईडी और रेंज 1, ये हमारा आ गया। पीआईडी ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन आप यहाँ पे हो गया एंड ओके करते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया। अब यहां देखिए एक्टिव है, एक्टिव के बगल में आपका ऑल दिख रहा है, आप इस ऑल पे क्लिक कीजिए। तो ये हमारा रेंज से क्वांटिटी हमारा है, क्वांटिटी को उठाया और यहां हम वैल्यू में रख देते हैं, और यहां नेम को हम रख देते हैं रो में। तो आ गया सर, अच्छा प्रोडक्ट नेम में मैं डीवीडी सीडी सीआरटी LCD and TFT। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो आपने देखा दो पीपल कैसे हमने कर लिया। हेलो, यस सर, इसका मेजर यूज कैसे किस पर्पस में होता है सर जनरली? आपके सामने है ना कि दो डेटा आपके सामने है, दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल में, ठीक है। अब मान लीजिए इस फीचर से देखिए ना, आप सिंपल से देखिए कि आपके पास सेल्स है, सेल्स का डेटा है, तो इसमें जो है एक डेटा जैसे मान ले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके इसमें नहीं दी गई है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें क्या है एक प्रोडक्ट 10 बार रिपीटेड है, दिख रहा है ना आपको सर? तो मुझे पीआईडी और नाम देना होगा, तो मुझे नाम 10 बार देना पड़ेगा, मुझे एमआरपी 10 बार देना पड़ेगा। तो देसी है, मान लीजिए कि उसका प्रोडक्ट का डिफिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, जैसे कस्टमर का एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी डिटेल डालू तो मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन को 50 बार लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा ना सर? तो ये इसको बोलते हैं डेटा सिंपलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि हमने एक यूनिक यूनिक आईडी यहाँ पे रख दिया, और हमारा जो डेटा है वो डेटा यहाँ रख दिया, क्योंकि वन नंबर आपके इसमें 10 बार आ रहा है ना सर? जी सर। तो सिर्फ वन नंबर दे दिया, बाकी डिटेल्स यहाँ से लुकअप हो जाएगा। तो ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर डेटा आपका काफी भी लुकअप लगा के डेटा को पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ा एक ये बन जाएगा, समझे?
डेटा तो आपका डेटा जो है बड़ा बन जाएगा और जिससे आपकी साइज काफी कंज्यूम करेगी, स्लो वर्क करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या फिर मान लीजिए ना कि ये समझ लीजिए ना सर कि आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा आया हुआ है, समझ गया? जैसे ठीक है सर, जैसे कि आपकी अकाउंट टीम ने जो है किसको कितना सैलरी दिया है इसका लिस्ट दे दिया कि भाई और कुंदन जी को सैलरी 5,000 मिली है, ठीक है, लेकिन क्या कुंदन जी की सैलरी 5,000 है? हो सकता है कुंदन जी ने 10 दिन ही ड्यूटी की है, तो ड्यूटी के हिसाब से बना के दिया ना सर। अब मुझे ये पता करना है कुंदन जी की एक्चुअली सैलरी कितनी है, कितना हमारा कंपनी उनका एग्रीमेंट हुआ है सैलरी पे, इसकी डेटा तो एचआर के पास होगा ना सर। तो एचआर ने आपको डेटा दे दिया, अब दोनों डेटा को इकट्ठा करना है और देखना है कि कितनी सैलरी है एक्चुअली और मिल कितना रहा है, उसकी कंपेयरिंग करना है। तो इसके लिए फिर दोनों डेटा को मैप करना पड़ेगा ना सर। तो मैप के लिए वी लुकअप करके एक सीट पे लाएंगे, बाद में पिवट लगाएंगे, इससे आपका फाइल बढ़ जाएगा। तो हम पिवट टेबल में ही मैप कर दिए, इससे क्या हुआ कि दो अलग अलग टेबल्स है और उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मान लीजिए कल के रेट पे प्रोडक्ट का नेम चेंज होता है, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट का नेम होता था, आपको 10 जगह होता था, 10 जगह चेंज करना पड़ता। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का सिर्फ नेम चेंज हुआ है, आईडी तो चेंज हुई नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। तो इसलिए इसका इशू होता है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और ये जो है आपका 2013 से ही इसका ऑनवर्ड इसका यूज है, क्योंकि उससे लोअर लेवल में नहीं है। और ये जो है एक्सेस का पार्ट है, एक्सेस में आप लोग पढ़ते होंगे या चाहे डेटाबेस से पढ़ते होंगे रिलेशनशिप क्यूडी वगैरह, तो यही रिलेशनशिप कहलाता है। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि ये तो दो टेबल के बीच में हमने दो कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे टेबल हैं, कई सारे डेटा है, उनको आपस में मैच करना, तो क्या मुझे हर बार पिवट करना पड़ेगा? जी नहीं, इसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ेगा पावर पिवट, फिर इसमें कैलकुलेशन भी करना है। आप रिलेशनशिप करेंगे तो फिर नॉर्मल पिवट कैलकुलेशन नहीं करने देता है। तो जैसे कि मेरे पास क्या है कि सेल्स में सिर्फ क्वांटिटी है और इसकी एमआरपी हमारे यहाँ पर है, तो मुझे चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब कि टोटल क्वांटिटी जितना होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 85 से, 365 से। तो इस तरह की कैलकुलेशंस नॉर्मल पिवट में रिलेशनशिप पिवट में नहीं होता, उसके लिए हम पावर पिवट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पावर पिवट डिफॉल्ट आपका नहीं होता है। तो पावर पिवट कैसे लाएंगे, फाइल में जाए, ऑप्शन, और यहां आपके सामने यहां दिखेगा एडिंस, तो टाइम लेगा, 2 मिनट वेट कीजिए। और एडिंस में यहां आपके सामने कॉम एडिंस है, इसको सेलेक्ट करिए, गो पे जाइए। यार माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट एक्सेल दिख गया सर? जी सर, क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। उसके बाद आप अपने एक एक डेटा को पहले मैनेज पे क्लिक कीजिए, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल जैसा ही ओपन होकर चलाएगा। इसमें देखिए पहले से है हमारे सेल्स वाला ऑरेंज का भी पहले से ऐड कर दिया तो है, इसमें मुझे तीसरा ऐड करना है सिर्फ, तीसरा कौन सा, सीआईडी का। हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड डेटा टू डेटा मोड कर देंगे, पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा माय टेबल हैज ए हिडन पे क्लिक होना चाहिए। आ गया? अब तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, तो यहां रिलेशन क्रिएट करना थोड़ा इजी है। आप डायग्राम व्यू पे जाएं, तो जैसे एमएस एक्सेस में टेबल्स का लिस्ट बन के आता है ना, उस तरह से लिस्ट यहां बन के चलाएगा। ये जो ऑलरेडी लिंक करना है, इसकी जो सीआईडी है इसको लिंक करना है हमें
इसकी टेबल वन की सीआईडी से, तो बस सीआईडी को यहां से पिक कीजिए और इसकी सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, ये आपका लिंक तैयार हो गया। अब वापस डेटा व्यू में आते हैं। अब मुझे कैलकुलेशन करना है सेल्स में, क्वांटिटी के बाद एमआरपी डालना है, तो यहां पे यहीं पे मैं ऐड कर, यहां एक कॉलम है ना, इसी पे मैं लिख देता हूं एमआरपी। तो हमारा एक एमआरपी का नया कॉलम है, ये जो चीज कर रहे हैं ये हमारा बैकएंड में हो रहा है, हमारा और नॉर्मल एक्चुअली डेटा पे नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये बैकएंड में कर रहा है। फिर मुझे रेंज A1 का एमआरपी को कॉल करना है, तो इसके लिए रिलेटेड का फॉर्मूला होता है, रिलेटेड फॉर्मूले में जाए और यहां से इसकी एमआरपी को हम कॉल कर लेते हैं, हो गया। फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहां पे मैं अमाउंट देता हूं अमाउंट, और यहां का यहां पे जो है मल्टीप्लाई करते हैं कि इसको क्लिक करने से नहीं होता, ध्यान रखिए इसको लिखना पड़ेगा। तो यह हमारा क्वांटिटी क्यू टी वाई आ जाएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, एमआरपी रेंज एमआरपी मत लीजिएगा, एमआरपी जो कॉल किया है वो लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है सर। ये सारे फॉर्मूले इसमें हैं जो इसका यूज कर सकते हैं, एवीएस हो गया, ऐड कॉलम्स हो गए, तो ये आपके जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ये फॉर्मूले किसके हैं, ये आपके पावर पिवट के फॉर्मूले हैं। तो इस पे हम आगे आपको ये जब पावर की वीडियो कीजिएगा तो इसमें सारे चीज आपको हम बता देंगे। ठीक है सर, अब मैं वापस इसको पिवट टेबल पर रिटर्न करता हूं, मैं वर्कशीट एनो, तो यहां पे तीनों आ गया, तो मैंने यहां पे उठा कर रखा अमाउंट को टोटल में, मैं यहां पे नेम को रखा यहां रो में, और हमने सिटी को कस्टमर के सिटी को रखा, और हमने टोटल लग दिया इस पे। चाहो तो स्लाइसर भी लगा सकते हैं आप, यहाँ यहाँ पे आइए इंसर्ट स्लाइसर भी जाइए, ये आपसे पूछेगा किसका स्लाइसर लगाना है, तो हमने बोला कि मुझे नेम का स्लाइसर लगाना है, नेम। तो इस तरह से स्लाइसर भी, मल्टीपल सीट का स्लाइसर भी, आपका रिलेशन रिलेटेड स्लाइसर भी आ जाएगा। समझ गया सर? यस सर। पिवट टेबल और इसमें और भी है, जब हम आपको आगे पावर की कराएंगे तो इसमें और भी नौ चीजें हम आपको करा देंगे, फिलहाल आप इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। इसमें तीन टेबल बनाया, छोटा टेबल है, इस पे बड़े बड़े टेबल्स पे काम करके बताइए। नहीं ये जरूरी है सर, ये बढ़िया सर। फिर हम आगे इसको आपको जो है कल बताएंगे। बताइए कुछ पूछा ना, कुछ आप पूछ रहा था सर, एक छोटा सा मेरा पर्सनल क्वेरी है, मैं अपना मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ अपना स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं, चलिए शेयर कीजिए। देखा सर आपको? अभी नहीं दिया सर, एक मिनट सर, शेयर शेयर पे जाइए, स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए, अब देख रहे हैं सर? मैं यहाँ फंसा हूँ सर, मैं इफ का फॉर्मूला तो सीख गया था खुद से, अभी क्या हो रहा है कि अब मुझे दो रीजन आ रहे हैं। तो आपको बताया था कि हम लोग इंक्रीमेंट का साइकिल स्टार्ट हो गया है, इंक्रीमेंट अभी होने वाला है, अभी मैं इसमें फंसा हूँ सर कि अगर तीन स्लैब है हमारे यहाँ, अब देखे मैनेजर टू जीएम अप टू टीएम और एक एवीपी एंड तो इनपे क्या है कि तीनों अलग अलग स्लैब पे मेरिट इंक्रीमेंट जैसे हम कहते हैं वो बढ़ेगा, अगर अप टू डीजी टू पीएम है सर, तो उसे एग्जांपल के तौर पे चार की रेटिंग पे चार की वन रेटिंग कहाँ गया सर, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच की रेटिंग पे हम उसे मात्र देंगे सर 5%,
चार की रेटिंग पे हम उसे देंगे छह, यहाँ से 0%, 0%, 3, 4%, 5% और ये है 6%. इस तरीके देते हैं सर अप टू डीएम तक लोगों को. और फिर हम देते हैं मैनेजर टू सीनियर जीएम पे, हम क्या देते हैं सर, इन दोनों को हम 0 देते हैं. आप एक काम करें सर, स्लैब बना के मुझे मेल कर दें, मैं इस पे एक वीडियो बना के आपको भेज देता हूँ. ये सर दो ही स्लैब है बस, हो गया सर, स्लैब हो गया. एक मिनट के लिए और एक मिनट और टाइम लूंगा आपका. मुझे केवल फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा कि इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कि मैं कि इफ का फॉर्मूला तो मुझे आता है सर, कि इफ का मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, लेकिन दो हो जाएंगे यहाँ पे, वो समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या लगेगा. ये रहा स्लैब सर, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे. मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि परसेंटेज यहाँ पे आ जाए ना. हाँ सर, डेजिग्नेशन वाला, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करें, रेटिंग को सिलेक्ट करें और इसका आ जाए, बोले ना. मतलब यहाँ पे डालूं, मुझे बस यही चाहिए. मुझे फाइल भेजिए ना कल सुबह 6:30 बजे, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे. चलिए सर, ठीक है सर, मैं थैंक यू सर, थैंक यू. मैं आपको डेटा भी शेयर कर रहा हूँ सर. ओके सर, इसमें क्या होगा, अभी तो मैं थोड़ा सा देखेंगे तो स्लॉप क्या आएगा दिमाग में, लेकिन मैं थोड़ा सा तसल्ली से रिसर्च करूंगा, है छोटी चीजें समझने वाली चीजें बना के भेज दूंगा आपको. ठीक है सर, थैंक यू.